ये पक्का कोई स्पिरिट है। ओ भाई बिल्कुल शैडो है ये। ये क्या, तो पीछे मेरे अभी कुछ मेरे पीछे से गया। ओए वो वहां से गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही ये पेड़ देखो गाइज, ये आपके सामने है, देखो कैमरा के सामने कैप्चर हो रही है चीज। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है कि भाई आप अकेले भी जाके एक बार देखो, अकेले भी जाके लोकेशंस पे देखो, तो मैं अकेला आज आ गया हूँ। बहुत ही ख़तरनाक रोड है, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डरावनी, और यहाँ की कहानी तो उससे भी ज़्यादा डरावनी है। तो अगर आपको पीछे वो लाइट दिख रही होगी मेरे, ये कहानी का पार्ट है। और जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, एक सेकेंड में थोड़ा सा आगे जाके दिखा देता हूँ। ये जो गेट नज़र आ रहा है, ये यहाँ की स्टोरी, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हॉन्टेड है। तो अभी मैं आपको अपनी गाड़ी के पास जाके पूरी स्टोरी बताता हूँ यहाँ की। ये लोकेशन है हमारे लीजेंड यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उस भाई ने यहाँ पे 5 से 7 वीडियो बनाए हुए हैं। तो यार मैंने सोचा कि हो सकता है ये सही में बहुत ख़तरनाक लोकेशन हो, तो इस लोकेशन पे जाना चाहिए। तो आज मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ, देख लो गाड़ी कोई नहीं भाई, ठीक है। और ये लोकेशन है देख लो, आप उसमें ना देख के मैच भी कर सकते हो। ये ऐसे देखो, यहाँ से ये एक छोटी सी दीवार है, ये रास्ता है, ये रोड है, वो गेट है, और वो पेड़ है। ये देखो जो लाइट, एक सेकंड में लाइट बंद कर दो, ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, यहाँ पे है। तो अब बात कर लेते हैं कहानी की। कहानी उस भाई ने भी अपने वीडियो में बताई थी, और गांव वालों ने भी यहाँ पे मुझे बताया, क्योंकि मैं दिन के टाइम पे यहाँ पे आया था। उन लोगों ने मेरे को, ये क्या आवाज़ थी भाई, एक तो देखो अकेले आते हैं ना तो बहुत ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई है। अच्छा वो गाड़ी की लाइट चमकी, मेरे को लगा पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को लगा जैसे दो आंखें चमक रही है। और ये रेड लाइट जो दिख रही है ना आपको, ये खेत में करी हुई है मेरे ख्याल से, शायद पक्षी पक्षी को डराने के लिए हो सकता है। तो भाई स्टोरी यहाँ की बहुत ख़तरनाक है, गाँव वालों ने भी मुझे बताई। ओ भाई अभी जस्ट अभी मुझे यहाँ पे लगा जैसे कोई, तो अभी पीछे मुझे ये क्या आवाज़ आ रही है यार। अकेले होते हैं ना, देखो कुछ भी आवाज़ आती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि भाई सच में कोई आसपास है, और मुझे यहाँ पे कुछ फील आ भी रही है, सही में आ रही है मुझे यहाँ पे फील। तो भाई कहानी यहाँ की ये है कि इस गांव की लड़की धान काटने और गेहूँ काटने यहाँ से इस रोड पर जा रही थी, तो एक गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी ने उसके, ये क्या आवाज़ थी, ये कुछ आवाज़ आई इधर से। ये क्या हुआ गाइस, अभी यहाँ से कुछ मूव हुआ है, कैमरा मेरे ख्याल से कैप्चर हो गया होगा भाई, बहुत ही स्ट्रेंज है सही में। अब ये देखो कैमरा में कैप्चर पक्का हुआ होगा, ये मैं इधर नहीं जाऊँगा, ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फेंसिंग करी हुई है। तो जो लड़की थी उसको यहाँ पे गाड़ी से उड़ा दिया था और उसकी यहीं पर डेथ हो गई थी। और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी इसी गांव का था, उसने उस लाइट के नीचे, जो पेड़ के नीचे लाइट, मैं पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, उस पेड़ के नीचे जो लाइट आपको नज़र आ रही, ओए यार ये सच में कुछ मूव हो रहा है यहाँ से। मैं अपनी कहानी कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। तो उस पेड़ के नीचे देखो, मेरे हाथ भी थोड़े से ना शेक कर रहे हैं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ओह ये क्या था भाई, ये देखो अभी भी है, ये देखो स्मोक जैसा, और हो सकता है ये कोई स्पिरिट हो, क्योंकि वाइट फॉग जैसी ही होती हैं ये चीज़ें। और मैं देखो उसके बिल्कुल बीच में से निकला हूँ अभी। ओ भाई तो डर तो मुझे बहुत लग रहा है।
और ये जो पेड़ है ना, यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने, उसके प्रेमी ने सुसाइड किया था। अभी मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ आई, आवाज़ें कंटिन्यूस आवाज़ें आ रही है मुझे और कंटिन्यूस एक्टिविटी हो रही है। गाइस सच में बहुत ख़तरनाक लोकेशन लग रही है मुझे। एक बार मैं थोड़ा सा इधर भी चल के देखता हूँ। ये देखो मैं अंधेरे में आ गया हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल अंधेरे में आ गया हूँ। और अभी मुझे लगा जैसे वहाँ पे कोई खड़ा था। बहुत ही अजीब सी वाइब है यहाँ पे, सही में बहुत अजीब वाइब है यहाँ पे। ये देखो ये गाड़ी खड़ी है, मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, बहन या भाई जो भी यहाँ पे, जिसके भी स्पिरिट मौजूद है, क्या आप कुछ करके दिखा सकते हो? कोई एक्टिविटी आप करके दिखा सकते हो? हालांकि आपने दिखा दी एक्टिविटी, लेकिन मैं फिर से एक बार जानना चाहता हूँ। मैं उसी रोड पे खड़ा हूँ, ये देखो ये रोड और ये वो गेट, मैच कर लो आप वीडियो। ये क्या आवाज़ थी? रोने की आवाज़ आई। ये देखो ये पक्का ये रोड है। यहाँ से मुझे आवाज़ आई, अभी यहाँ से रोने की आवाज़ आई। मतलब मैं सच में पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि दो स्पिरिट्स मौजूद हैं यहाँ पे, एक मेल है और एक फीमेल है, जैसा कि कहानी यहाँ पे बताई गई है। क्योंकि अभी मुझे रोने की आवाज़ आई, वो एक लड़की के रोने की आवाज़ थी। मैंने जैसे ही पूछा कि क्या आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, तभी एकदम से ओ भाई वो क्या है, वो क्या है, दो आंखें चमक रही हैं। ओ भाई वो क्या है, ये देखो ये क्या चीज़ है, और ये मेरी तरफ आ रही है। ये देखो ये गायब हो गई। गाइस यहाँ पे मुझे दो आंखें दिखी हैं, अभी मुझे यहाँ पे दो आंखें दिखी हैं। और ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे। सच में बहुत ख़तरनाक रोड है ये, और वो दोनों मुझे यहाँ पे अपने होने का एहसास करा रहे हैं। बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे यहाँ पे सही में। क्या आप दो लोग हैं यहाँ पे? अगर आप दो लोग हैं तो आप कुछ अलग अलग हरकत करके दिखाओ मुझे, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि दो लोग हैं यहाँ पे। कोई मूवमेंट, या आप मेरे सामने आओ या कुछ करके दिखाओ मुझे। ये कुछ हुआ ना, ये कुछ आवाज़ आई अभी यहाँ से। ये क्या है? ये देखो ये क्या था भाई, यहाँ से आ रही है। आगे मुझे लग रहा है रास्ता बंद है, पूरा पानी हुआ है। यहाँ से अभी एक स्मोक जैसी कोई चीज़ गई। तो यार यहाँ पे जाना सही नहीं लग रहा मुझे। ये देखो पेड़ देखो, ये पेड़ देखो गाइस, ये आपके सामने है, देखो कैमरा के सामने कैप्चर हो रही है चीज़। देखो आपने हमें एहसास करा दिया यहाँ पे आप मौजूद हो। क्या आप इस पेड़ को फिर से हिला सकते हैं? ये देखो गाइस, ये देखो क्लियर एविडेंस है, ये आपके सामने क्लियर एविडेंस है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं अब उधर जाके आपको दिखा देता हूँ। इस पेड़ के पास में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
ओए ओए, मुझे अभी इधर से कोई मूवमेंट दिखी। ये देखो, ये पेड़ है और देख लो कोई भी नहीं है भाई, लेकिन एक मूवमेंट लगी मुझे यहाँ पे, कुछ वाइट वाइट सा गया। ये देखो, मैं अभी वहाँ खड़ा था, मैं अभी यहाँ खड़ा था, ये गाड़ी के यहाँ से आवाज़ आई। बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं यहाँ पे, और क्लियर एविडेंस आ रहे हैं यार, क्लियर एविडेंस। इतने क्लियर एविडेंस कैसे आ सकते हैं? मतलब वो अपने होने का एहसास करा रहे हैं हमें, मौजूदगी दिखा रहे हैं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब वो किसी न किसी तरीके से दे रहे हैं। ओह, ये देखो ये देखो, अब इसको आप क्या बोलोगे? ये देखो ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है गाइस? ये क्या है? मतलब इस रोड के आसपास ही हरकतें हो रही हैं। मेरे ना पसीने आ गए, मतलब मैं किसी भी लोकेशन पे आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। एक मिनट,